Hello friends, welcome to the second lecture of the series that we have started previously. We are studying the Indian Economic Development book of class 12th NCERT, and we are on to the first chapter of this book. See, as per the comments that I got in the previous section, this lecture will be bilingual. मतलब ये जो lecture होगा ये दोनों भाषाओं में होगा, हिंदी एवं English. जिन लोगों को इंग्लिश समझने में समस्या होती है उन लोगों के लिए लेक्चर मैंने इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में रिकॉर्ड करने का निश्चय किया है. स्लाइड्स आपको इंग्लिश में दिखेंगी बट जो कंटेंट होगा उसको मैं आपको हिंदी में भी समझाऊंगा. यहाँ पर एक बार फिर से दोहरा देता हूँ कि जो भी स्लाइड्स यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंतर्गत, वो सारी स्लाइड्स में आपको कंटेंट जो स्क्रीन पर दिखेगा वो इंग्लिश में होगा, बट उसका जो एक्सप्लेनेशन होगा वो मैं आपको हिंदी में दूंगा, जिससे आपके लिए समझना आसान हो जाएगा. तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर. इस चैप्टर में हम सॉरी इस लेक्चर में हम शुरुआत करेंगे वहाँ से जहाँ हमने लास्ट क्लास में छोड़ा था. उम्मीद है आपने लास्ट लेक्चर ध्यान से सुना होगा कि वही उसमें आपने देखा था कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में चैप्टर वन में आज़ादी के टाइम पर स्थिति क्या थी इंडिया की, खासतौर से एग्रीकल्चर सेक्टर हमने देख लिया था. और मैंने बोला था आपसे कि नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि इंडस्ट्रीज़ की स्थिति कैसी थी. तो आज हम जो शुरुआत करेंगे वो करेंगे इंडस्ट्रीज से और फिर हम बढ़ेंगे फॉरेन ट्रेड की ओर. तो चलिए करते हैं शुरुआत हमारे आज के लेक्चर की. इंडियन इकॉनमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस चैप्टर वन इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसके पार्ट टू की ओर आज हम आ चुके हैं. लास्ट क्लास में हमने देखा था इस चैप्टर का पार्ट वन. तो मैंने आपसे कहा था जैसे कि हम ये पूरे चैप्टर को तीन पार्ट में कवर करेंगे, तो आज इस लेक्चर का ये सेकेंड पार्ट होगा. तो करते हैं शुरुआत हम इंडस्ट्रियल सेक्टर से. लास्ट क्लास में हमने देखा था कि ब्रिटिश के आने के बाद इंडिया की जो एग्रीकल्चर था उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी. सरप्लस में होने के बावजूद हम लोग किसानों को या मजदूरों को दो टाइम का खाना भी मुहैया नहीं करा पा रहे थे. अब हम देखते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या हुआ, यानी कि औद्योगिक क्षेत्र में इंडस्ट्रीज़ ने इंडिया कैसे काम किया ब्रिटिश के अंडर में. देखिए जैसा कि आपको स्लाइड में दिख रहा होगा वहाँ पर साफ साफ लिखा अंडर डेवलप्ड इंडस्ट्रियल बेस अंडर द ब्रिटिश, कि ब्रिटिश सरकार ने कभी भी इंडिया की इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने की कोशिश नहीं की और वो अंडर डेवलप्ड ही रहा. इसके पीछे दो चीज़ें हैं. देखो एक तो जो रेड एरो है वो आपको शो कर रहा है कि नीचे आता हुआ, यानी कि नीचे की ओर आ रहा है. तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो डिक्लाइन हुई हैं. जैसे अभी लास्ट क्लास में देखा था हमने कि इंडिया के हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो हाथ से चलने वाले उद्योग थे उनको पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया ब्रिटिशर्स ने. एंड सेकेंडरी चीज़ एट द सेम टाइम नो करस्पॉन्डिंग मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ ग्रो इन इंडिया, यानी कि कोई भी उस टाइम जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ ग्रो कर रही थी ब्रिटेन में देखें या यूरोप में देखें हम, तो वहाँ पर काफ़ी सारी नई नई इंडस्ट्रीज़ डेवलप हो रही थी, जबकि इंडिया में हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ तो ने डिक्लाइन कर दी. बट साथ ही साथ मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ को अगर ग्रो करने की बात की जाए तो उनमें ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिलती है. अब सवाल ये उठता है कि इसके पीछे उद्देश्य क्या था, वट वॉज द मोटिव ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट बिहाइंड दिस पॉलिसी ऑफ सिस्टमेटिकली डी इंडस्ट्रियलाइजिंग इंडिया. भाई इंडिया को ऐसा डी इंडस्ट्रियलाइज करने के पीछे, इंडिया का जो अपन इंडस्ट्रीज पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे ब्रिटिश सरकार ने सोचा, तो उसके पीछे उनकी मंशा क्या रही होगी, सोच के देखिए और जल्दी से कमेंट कीजिए इससे पहले कि मैं आपको जवाब दूँ इसका. तो आइए हम समझते हैं पूरा प्रोसेस कि क्या पूरा प्रोसेस रहा होगा इंडस्ट्रियल सेक्टर में, कैसे कैसे ब्रिटिशर्स ने काम किया, क्या प्लानिंग की और कैसे उसका आउटपुट उन्होंने लिया है. सबसे पहले देखिए आप यहाँ पे डिक्लाइन ऑफ इंडिजीनियस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़, यानी कि भारत की जो स्वदेशी उद्योग थे जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ यानी जो हाथ से चले हमारे हथकरघा उद्योग जिन्हें आप बोलते हो, उनको धीरे धीरे ख़त्म किया गया. अब उससे क्या होगा, जब इंडस्ट्रीज़ ख़त्म हो जाएंगी तो उससे क्या होगा, सेकेंड फेज़ में आप पहुँचोगे तो वहाँ पर क्या होगा, बहुत सारा बेरोज़गारी होगी, मासिव अनएम्प्लॉयमेंट वॉज देयर, बिकॉज अगर सिस्टम पूरे उद्योग बंद होते जाएंगे ख़त्म होते जाएंगे तो उनमें जो लोग काम करते थे ऑटोमेटिकली उनकी जॉब चली जाएंगी. तो यहाँ पर क्या हुआ, उसकी वजह से मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट हुआ. जब मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट हुआ और इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई तो लो सप्लाई ऑफ लोकली मेड गुड्स, मतलब जो लोकली वस्तुएं बनती थी इंडिया के अंदर जो देश में चीज़ें बनती थी उनकी सप्लाई ऑटोमेटिकली कम होने लगी. अरे बात समझ पूरी तरह समझ में आ रहा होगा आपको क्या हुआ. सबसे पहले इंडस्ट्रीज़ को ख़त्म किया गया, जब इंडस्ट्रीज़ ख़त्म होती जाएंगी तो लोगों की जॉब जाएगी और लोगों की जॉब जाएगी साथ ही साथ पहले लिए क्या होगा कि आपकी सप्लाई जो होगी वो कम होती जाएगी. अगर सप्लाई कम होगी और डिमांड बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, उससे फ़ायदा किसका होगा, ब्रिटिश का. क्यों, क्योंकि अपन ने देखा था कि इंडिया को उन्होंने केवल एक इम्पोर्टर बना रखा था किस चीज़ का, फिनिश्ड गुड्स का. भाई जो वस्तु बनती थी ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज़ में वो आके कहाँ सप्लाई होती थी, इंडिया में.
जब सीधी सी बात है इंडियंस को रिक्वायरमेंट होगी गुड्स की और इंडिया में जो इंडस्ट्रीज हैं वो उसको फुलफिल नहीं कर पाएंगी तो क्या होगा, उनको परचेज करना पड़ेगा वो सारा मटेरियल जो ब्रिटेन की फैक्ट्री से बन के आता था। तो दिस वॉज द होल प्रोसेस विच वॉज फॉलोड बाय द ब्रिटिशर्स कि भाई ये जो डिमांड एक्स्ट्रा थी इंडिया में जो इंडियन गुड्स की अवेलेबिलिटी कम होने के कारण बढ़ गई थी, इसको इम्पोर्ट्स और बड़ा बड़ा के ब्रिटेन सरकार ने अपनी इंडस्ट्रीज़ का उद्योगों को चमका लिया, वहाँ के जो वस्तुएं बनती थी उनको उनने आगे बढ़ाया और इंडिया की इंडस्ट्रीज़ का इससे बहुत बड़ा नुकसान हो गया। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। अगर समझ में नहीं आया तो उसको एक बार पॉज कीजिए और फिर से रिवाइज़ करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इंडिया के इंडस्ट्री सेक्टर की स्थिति कैसी थी ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। मॉडर्न इंडस्ट्रीज बिगेन टू टेक रूट इन इंडिया बट इट्स प्रोग्रेस रिमेन वेरी स्लो। सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी का सेकेंड हाफ मतलब देखिए 19th सेंचुरी कहाँ से शुरू होगी, 1801 से लेकर 1900 तक, ठीक है, उसको 19th सेंचुरी बोलेंगे। तो उसका लेटर हाफ यानी कि 1850 से आज़ादी की लड़ाई जो हुई थी 1857 में हुई थी, आपको पता होगा पहली लड़ाई जैसे हम बोलते क्रांति है ना, पहली यह क्रांति जो हुई थी भारत की आज़ादी के लिए लाला लक्ष्मीबाई वगैरह के नेतृत्व में, उसकी अगर हम बात करें तो 1857 में हुई थी। उसके बाद कुछ इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट शुरू हुआ है या उसके अराउंड 1850 के अराउंड आप देख सकते हैं। तो इंडिया में इंडस्ट्रीज शुरू तो हुई लेकिन उनकी प्रोग्रेस जो थी, उनका जो एस्टेब्लिशमेंट था बहुत स्लो था। शुरुआत में बेसिकली दो प्रकार की इंडस्ट्रीज थी हमारे यहाँ, एक कॉटन टेक्सटाइल और एक जूट। तो यदि आपको पता हो कि कॉटन जो है उसको ग्रो करने के लिए आपने पढ़ा होगा स्मॉल क्लासेस में कि ब्लैक सॉइल की रिक्वायरमेंट होती है, ब्लैक सॉइल बहुत अच्छा आपका उत्पादन होता है कॉटन का। सो बेसिकली आपको किस एरियाज में होगी तो महाराष्ट्र गुजरात वाला जो बेल्ट है वहाँ पर ब्लैक सॉइल काफ़ी अच्छी पाई जाती है, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉटन का ग्रोथ हुआ। अभी भी अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा कॉटन कहाँ पर होगा तो आप महाराष्ट्र गुजरात का आराम से इजीली एग्जांपल दे सकते हैं। एंड सेकेंडरी थिंग विच वॉज एस्टेब्लिश्ड वॉज जूट मिल्स। जूट मिल्स यानी कि जो आप आजकल बोरे वगैरह देखते होंगे तो बोरे जो बनते हैं वो जूट से बनते हैं, जूट की जो रस्सी होती है उससे। तो जूट की जो खेती होती थी बेसिकली वो बंगाल में होती थी, जो आज का हमारा बांग्लादेश है और जो हमारा वेस्ट बंगाल एरिया है वो पूरा बंगाल हुआ करता था किसी ज़माने में, तो उस पूरे को बंगाल बोलते थे। वहाँ पर सबसे ज़्यादा उत्पादन होता था जूट का। सो बेसिकली दो प्रकार की इंडस्ट्रीज डेवलप हुई इंडिया में, कॉटन टेक्सटाइल जो कि गुजरात और महाराष्ट्र में हुई और जूट मिल्स जो बंगाल में हुई। और इसमें खास बात यह है कि जो महाराष्ट्र गुजरात में जो कॉटन की जो इंडस्ट्रीज थी वो इंडियंस चलाते थे, जबकि बंगाल में जो थी जूट की इंडस्ट्रीज दे वर मेनली मेंटेन्ड बाय द फॉरेनर्स और वी कैन सी द ब्रिटिशर्स। क्लियर है इतना? आई होप इट इज़ क्लियर। इसको पॉज करके एक बार फिर से रिवाइज कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात करें अगर हम 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग में, अभी हमने देखा था कि 19th सेंचुरी के टुवर्ड्स द एंड और वी कैन सी द टुवर्ड्स द लेटर हाफ हमारे यहाँ कॉटन और जूट की इंडस्ट्री डेवलप होना शुरू हुई। बट अगर हम बात करें 20th सेंचुरी की, जब 1900 ख़त्म हो गया उसके बाद जो नया ईरा आया उसमें कुछ इंडस्ट्रीज इंडिया में डेवलपमेंट होना शुरू हुई, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट थी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज यानी कि लोहे की और स्टील यानी इस्पात के उद्योग जो थे वो शुरू होना शुरू हुए। और जो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी थी टिस्को जैसे आप बोल सकते हो, इसकी स्थापना हुई थी 1907 में, 1907 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज इट वॉज वन ऑफ द लार्जेस्ट एट द टाइम ऑफ इंसेप्शन। जब ये खोली गई थी तो ये बहुत बड़ा इंडस्ट्री था, बहुत बड़ा उद्योग था भारत के उस टाइम के डेमोग्राफी के हिसाब से और वी कैन से टोपोग्राफी के हिसाब से। सो टिस्को वॉज ऑल दो इट वॉज ए प्राइवेट इंडस्ट्री, बट ये जमशेदपुर में डेवलप हुई और वहाँ पर जो एरिया था आसपास का वहाँ के काफ़ी सारों को उससे एम्प्लॉयमेंट मिला लोगों को, और वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट था वो काफ़ी अच्छे स्केल पर हो पाया। सेकेंडरी चीज़ जो यहाँ पर डेवलप हुई अपार्ट फ्रॉम स्टील एंड आयरन इंडस्ट्रीज वो थी, यहाँ में कुछ इंडस्ट्रीज और डेवलप होना शुरू हुई जैसे कि शुगर इंडस्ट्रीज थी जो मेनली यूपी महाराष्ट्र में कंसनट्रेटेड थी, देन सीमेंट हमारे एमपी में भी काफ़ी सारी सीमेंट इंडस्ट्रीज हैं, आप कैमूर वगैरह साइड अगर जाएंगे अगर आप तो कटनी साइड, देन पेपर इंडस्ट्री ऑल्सो केम अप। तो ये कुछ इंडस्ट्रीज थी जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी 1945 के बाद में शुरू हुई। तो ये कुछ इंडस्ट्रीज थी जिनको आप मेंशन कर सकते हो व्हाइल यू आर राइटिंग आंसर्स, या दिस इंडस्ट्रीज डेवलप्ड आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर और वी कैन से द टूवर्ड्स द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी। सो लेट अस सी व्हाट वाज द मेजर ड्रॉबैक्स विच द इंडस्ट्री सेक्टर ऑफ इंडिया फेस्ड, मतलब कौन कौन सी कमियाँ थी भारत के इंडस्ट्री सेक्टर में
जिसकी वजह से वो ग्रो नहीं कर पाया। पहली चीज़ में जो देखने वाली वो है, देर वॉज हार्डली एनी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री टू हेल्प प्रमोट फर्दर इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया। देखिए, भारत में कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज का बहुत बड़ा अभाव था। यानी कैपिटल गुड्स, पहले तो ये जानना होगा हमें कि कैपिटल गुड्स क्या होती हैं। कैपिटल गुड्स वो गुड्स होती हैं जो किसी दूसरे गुड्स के प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। वो सारी गुड्स जो किसी दूसरे गुड्स के प्रोडक्शन में हेल्प करें उन्हें हम कैपिटल गुड्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि आप कोई मशीनरी लगाते हो, लेट्स से थर्माकोल की शीट बनाने की, तो जो मशीन आपको थर्माकोल की शीट बनाने में हेल्प करेगी वो आपकी कैपिटल गुड कहलाएगी। ठीक है, तो ऐसी कोई कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री हमारे देश में नहीं थी कि जो फर्दर इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट कर सके या मशीन टूल्स बना सके, जैसे अपन और मशीन्स बना सकें जो आगे फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प कर सके। पहली कमी तो ये थी। दूसरा ये था कि पब्लिक सेक्टर जो था आपका, यानी कि जो गवर्नमेंट सेक्टर था, उसका एरिया जो था वो भी बहुत लिमिटेड था। सरकार केवल रेलवेज़ पे, पावर जनरेशन पे यानी कि एनर्जी प्रोडक्शन पे, या कम्युनिकेशन पे, पोर्ट्स यानी कि जो बंदरगाह होते हैं जहाँ से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का पूरा गुड्स का किया जाता है, और कुछ डिपार्टमेंट्स को छोड़ करके सरकार का ध्यान जो था बहुत कम क्षेत्रों में था। सो बेसिकली ये बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक था कि भाई इंडिया को डेवलप करना है आपको तो हर सेक्टर में आपको सरकार को इंटरफेयर करना पड़ेगा। बट सरकार के जो एरिया ऑफ ऑपरेशन थे वो कन्फाइंड थे, काफ़ी सीमित थे, काफ़ी कम क्षेत्र में थे। एंड सेकेंड द लास्ट थिंग वॉज नो सब्सटीट्यूट टू द डिस्प्लेस्ड ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। जो इंडिया की जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज खत्म हो गई थी उनको सब्सटीट्यूट करने की कोई व्यवस्था नहीं की गई। मतलब उसकी जगह पे क्या लाएंगे आप, ऐसा कुछ सरकार ने प्लानिंग नहीं की कि भैया हाँ ऐसी ये चीज़ खत्म हो रही है तो उसकी जगह पर हम दूसरी चीज़ ला सकते हैं, तो ऐसा कुछ हो नहीं पाया। और अल्टीमेटली रिजल्ट क्या निकला कि इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो नया था उसको ग्रोथ हुआ नहीं, ना के बराबर हुआ, और उसका GDP में कॉन्ट्रीब्यूशन भी नेग्लिजिबल रहा। मतलब हमारे देश की जो GDP होती है, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, उसमें भी जो है योगदान बहुत ना के बराबर देखने को मिला हमें। चलिए बात करते हैं हम फॉरेन ट्रेड की, कि भाई फॉरेन ट्रेड के सेक्टर में क्या क्या चीज़ें देखने को मिली, क्या क्या चीज़ें ऐसी हुई जो फॉरेन ट्रेड में हमें आगे बढ़ाने में हेल्प करती हैं। तो अगर हम बात करें एंशियंट टाइम्स की, यानी कि पुराने समय में क्या था, इंडिया एक इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग नेशन हुआ करता। आपने देखा होगा जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो कई प्राचीन सभ्यताएं थी, जैसे कि मेसोपोटामिया हो, या फिर वो पर्शियन हो, या फिर इजिप्ट से हो, या चाइना से हो। बेसिकली इंडिया एक बहुत इम्पॉर्टेंट हब था, ट्रेडिंग हब था। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी, खासतौर से जो स्पाइसेस थे हमारे वो पूरे वर्ल्ड में फेमस थे और वो हर जगह जाते थे। लेकिन कॉलोनियल पीरियड में क्या हुआ वो हम देखने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो कॉलोनियल पीरियड में देखिए, पूरा प्रोसेस मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम की मदद से दिखा रहा हूँ। रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी ऑफ कमोडिटी प्रोडक्शन एंड ट्रेड एंड टेरिफ अफेक्टेड एडवर्सली। मतलब जो रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज थी, यानी प्रतिबंधात्मक जो नीतियाँ थी कॉलोनियल पीरियड की, यानी ब्रिटिश एम्पायर की, उसकी वजह से क्या हुआ, ट्रेड और जो आपके उस पर कॉमर्स पे बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ा। ठीक है, जो रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी किसने अपनाई, सबसे वाली बात, सीधी बात है, भाई ब्रिटिशर्स का रूल था तो उन्होंने अपनाई है, परस्यूड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट। इट अफेक्टेड द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड वॉल्यूम ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। तो इंडिया के फॉरेन ट्रेड का पूरा स्ट्रक्चर गड़बड़ कर दिया उन्होंने, पूरा कंपोजिशन की, भैया कौन कौन सी चीज़ें एक्सपोर्ट होती थी, कौन सी इम्पोर्ट होती थी, पूरी बदल के चल रख दी उन्होंने। एंड ऑल्सो द वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब मात्रा, कि भाई जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले 1 टन अगर मान लीजिए स्पाइसेस एक्सपोर्ट होती थी तो उनने कम करके वो 50 क्विंटल पे ले आए, एंड लाइकवाइज। सो बेसिकली उन्हें पूरा स्ट्रक्चर बदल दिया, कंपोजिशन बदल दिया, और वॉल्यूम भी बदल दिया, भाई कितना होगा, कितना नहीं होगा, किसको बेचोगे आप, किसको नहीं बेचोगे, किससे ट्रेड करेंगे, किससे नहीं ट्रेड करेंगे, ये पूरा ब्रिटिशर्स ने अपने हाथ में ले लिया। और इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ा, पूरे इंडिया की जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट्स थे उस पर पूरा प्रभाव, इसका दुष्प्रभाव बेसिकली हम कह सकते हैं, वो देखने को मिलता है। तो इंडिया को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा ब्रिटिशर्स की इन पॉलिसीज़ की वजह से। तो देखते हैं हम स्ट्रक्चर कैसा था इंडिया का। इंडिया देखिए, दो चीज़ें होती हैं फॉरेन ट्रेड की जब भी हम बात करते हैं, एक होता है एक्सपोर्ट, एक होता है इम्पोर्ट। सो इंडिया वॉज एक्सपोर्टर ऑफ वट ऑल थिंग्स एंड इम्पोर्टर ऑफ वट ऑल थिंग्स, दैट वी आर गोइंग टू सी इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड। देखिए, इंडिया एक्सपोर्ट क्या करता था, बेसिकली प्राइमरी प्रोडक्ट्स। प्राइमरी प्रोडक्ट्स मतलब कच्चा माल, रॉ सिल्क, कॉटन, वूल, शुगर, इंडिगो, जूट एट्सेट्रा। मतलब प्राइमरी प्रोडक्ट जो आपके आपको एनिमल्स से मिलते थे या एग्रीकल्चर से मिलते थे, प्लांट से मिलते थे, उनको हम बेसिकली एक्सपोर्ट करते थे, उनसे पैसा हमारा आता था और ये वस्तु यहाँ पर इंडिया के बाहर जाती थी। बात करें अगर इम्पोर्ट की, तो
सो इम्पोर्ट इंडिया दो प्रकार की चीज़ें करता था, एक कंज्यूमर गुड्स और एक कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स वो होती हैं जो कंज्यूम डायरेक्टली होती हैं, यानी कि कंज्यूमर उसको परचेस करेगा और यूज़ करेगा। अब जो कॉटन या सिल्क हमारे यहाँ जाती थी या वूल हमारे जाती थी, तो ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज़ में एज अ रॉ मटेरियल सप्लाई होती थी, वो वहाँ से उसके कपड़े बनते थे और दीज क्लोथ्स वेयर देन डम्प्ड इन टू द इंडियन मार्केट, और उन कपड़ों को फिर इंडिया के मार्केट में डंप कर दिया जाता था। तो कॉटन सिल्क और जो वुलन क्लोथ्स थे वो कंज्यूमर गुड्स के रूप में इंडिया में वापस आते थे एज ए इम्पोर्ट, तो सस्ता माल जाता था वहाँ पर और महंगा होकर वो इंडियंस को ही खरीदना पड़ता था। सेकेंडरी चीज़ जो हम इम्पोर्ट करते थे वो थे कैपिटल गुड्स। एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, कैपिटल गुड्स वो थी होती हैं जो मशीन्स कह सकते हैं आप उन्हें, जो फर्दर प्रोडक्शन में आपको हेल्प करती हैं। तो इंडिया एक्सपोर्ट करता था प्राइमरी प्रोडक्ट्स को जो बेसिकली हमें एनिमल से और एग्रीकल्चर से मिलते थे, और इम्पोर्ट करता था फिनिश्ड गुड्स यानी कंज्यूमर गुड्स विच आर डायरेक्टली कंज्यूम बाय द कंज्यूमर, एंड द कैपिटल गुड्स जिसमें कि लाइट मशीनरी आदि शामिल थे या टूल्स कह सकते हैं हम या इम्प्लीमेंट्स कह सकते हैं जो हमें फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करते थे। सो दीज आर द थिंग्स विच द इंडियंस एट द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स यूज टू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। अब इंडिया के फॉरेन ट्रेड में जो ब्रिटेन था, ऑब्वियसली बात है वी आर द कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन, सो उनकी मोनोपोली तो होगी क्योंकि उनका राज चलता था हमारे ऊपर, तो वो जो बात वो कहते थे वो हमें माननी पड़ती थी। तो इंडिया के एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पर भी उनकी मोनोपोली थी, यानी कि उनका एक छत्र राज हुआ करता था, और इसी की वजह से उन्हें आधे से ज़्यादा फॉरेन ट्रेड, मोर देन हाफ ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड, इट वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन ओनली। मतलब जितना भी व्यापार चाहे वो एक्सपोर्ट हो चाहे वो इम्पोर्ट्स हो भारत करता था, उसका 50% से ज़्यादा तो केवल ब्रिटेन से होता था हमारा, जबकि बाकी जो व्यापार था वो कुछ कंट्री से अलाउ था, जैसे कि चाइना, सीलोन जो श्रीलंका का पुराना नाम था, एंड पर्शिया जो कि ईरान का पुराना नाम था। तो ये कुछ देश थे, चाइना, श्रीलंका एंड ईरान, विथ हुम इंडिया यूज टू ट्रेड एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश, बिकॉज ब्रिटिश जिस कुछ से चाहते थे उसी देश से आप व्यापार कर सकते थे, और जिससे वो मना करते थे उससे आप व्यापार नहीं कर सकते थे, एंड मोस्टली उन्हें अपना फ़ायदा देखना था। तो मेन एरिया ऑफ कंसर्न उनका ये था कि भैया इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा रॉ मटेरियल जो है वो ज़्यादा ब्रिटेन में सप्लाई हो जाए, और इंडिया तो उनके लिए बहुत बड़ा मार्केट था ही, तो यहाँ पे अपनी पूरे फिनिश गुड्स को डंप करते थे। और स्वेज कनाल जो कि ओपनिंग जिसकी हुई बाद में, आपको ये मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में लिख के कि स्वेज कनाल कहाँ पर है, कब खुला और किन किन देशों के बीच में था, ठीक है। तो ये स्वेज कनाल के खुलने के बाद से जो ब्रिटिश कंट्रोल था इंडिया के ट्रेड के ऊपर वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि इंडिया से ब्रिटेन की जो दूरी थी उसमें काफ़ी कमी आई। लगभग 7,000 किलोमीटर का जो सफ़र एक्स्ट्रा करना पड़ता था ब्रिटेन के जहाज़ों को इंडिया पहुंचने के लिए, उसमें कटौती हो गई। इसकी वजह से ब्रिटेन को बहुत ज़्यादा हेल्प मिली इससे अपने ट्रेड को फर्दर इंटेंसिफाई करने के लिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक जो इंडिया फॉरेन ट्रेड का था वो था लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस। मतलब आप सोचिए अभी की अगर हम करेंट की सिचुएशन को अगर देखें तो इंडिया बेसिकली इम्पोर्ट ज़्यादा करता है, एक्सपोर्ट कम करता है। उस टाइम हम एक्सपोर्ट सरप्लस जनरेट करते थे, मतलब जितना पैसा हमारे यहाँ आता था उससे कम खर्च होता था इम्पोर्ट में। मतलब इंडिया बेसिकली एक एक्सपोर्टर नेशन हुआ करता था, मतलब हमारे एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा थे मतलब, और इम्पोर्ट्स बहुत कम थे एज़ कम्पेयर टू द एक्सपोर्ट्स। सो दिस वॉज द सिनेरियो ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल, बट स्लोली दे डिग्रेडेड आवर इंडस्ट्रीज, हमारे सारे रिसोर्सेस ख़त्म कर दिए, सारी जो प्राकृतिक संपत्ति थी हमारे पास उसको नष्ट कर दिया, और इंडिया धीरे धीरे एक्सपोर्टर से इम्पोर्टर कैटेगरी में आके खड़ा हो गया। अब इंडिया के पास एक्सपोर्ट सरप्लस तो था लेकिन इंडिया की इकोनॉमी को उससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। बहुत सारी कमोडिटीज़ जो थी, चाहे वो फूड ग्रेन्स हों, चाहे वो क्लोथ्स हों, कैरोसिन जैसी इम्पोर्टेंट वस्तुएं, इन सबको एक्सपोर्ट कर दिया गया। पैसा तो बहुत सारा आया लेकिन उसकी वजह से, एक्सपोर्ट की वजह से इन वस्तुओं की, चाहे वो अनाज हो, चाहे वो कैरोसिन हो, चाहे वो जरूरत की सामग्री हो, इसकी भारत के बाजार में बहुत कमी हो गई। इंडिया के डोमेस्टिक मार्केट में चीज़ें कम हो गई, स्केयर्सली अवेलेबल हो गई, तो कम हो गई उनकी कमी हो गई, इसकी वजह से चीज़ें महंगी हो गई। तो आम लोग जो थे उनको परेशानी उठानी पड़ी थोड़ी सी, बिकॉज इजी लेवल लेवल नहीं था उनके लिए, तो उनको बहुत महंगा पड़ता था खरीदना। सेकेंडरी चीज़, अब एक्सपोर्ट तो हुआ उससे कोई इंडिया को विशेष फायदा नहीं हो पाया, क्योंकि पैसा जो आया चाहे वो गोल्ड हो, चाहे सिल्वर हो, चाहे वो करेंसी हो, बेसिकली उस टाइम तो हमारा बेसिकली ट्रेड जो होता था वो गोल्ड सिल्वर यानी कि एक्सपेंसिव मेटल्स में होता था, तो उसका कोई सरप्लस देखने को नहीं मिला हमारे देश में। हालांकि हमारे पास वस्तुएं जा रही थी बहुत सारी, एक्सपोर्ट बहुत सारा हो रहा था, तो उसके हिसाब से हमारा फॉरेन रिजर्व जो है बढ़ना चाहिए था, लेकिन जो गोल्ड या सिल्वर या जो करेंसी बाहर से आई
उसका यूज इंडिया के डेवलपमेंट में नहीं किया गया, बट किस में किया गया कि भाई ब्रिटेन सरकार की मोनोपोली थी, तो उनके ऑफिस जो मेंटेन होते थे उनके खर्चे निकालने के लिए, जो लड़ाइयाँ वो लड़ते थे, चाहे वो फ्रेंच वॉर हो, चाहे वर्ल्ड वॉर वन हो, चाहे वर्ल्ड वॉर टू हो, उन सारे खर्चों को उन्होंने इंडिया के जो पैसा जो एक्सपोर्ट करके आया उससे निकाला। एंड सेकेंडरी चीज़, इनविजिबल आइटम्स जिन जो वो इम्पोर्ट करते थे, जो वस्तुएं वो खरीदते थे, उसका खर्चा भी वो इंडिया की जो एक्सपोर्ट सरप्लस था उससे पूर्ति करते थे। सो अल्टीमेटली ऑल इन ऑल इंडिया को गेन कुछ नहीं हुआ, रिसोर्सेस पूरे चले गए, बदले में जो पैसा आना चाहिए था वो भी नहीं आ पाया, और इसी को हम बोलते हैं ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ। यहीं पे हमारी एक थ्योरी आती है, ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ मतलब भारत की पूंजी जो थी वो ड्रेन कर ली गई, पूरी बहा दी गई, पूरा ब्रिटिश सरकार नष्ट करके ले गई, पूरे रिसोर्सेज हमारे नष्ट कर दिए, और जितना पैसा हमारे पास होना चाहिए था वो ना देखे, पूरा पैसा इंडिया को जो खाते में होना चाहिए था या इंडिया के हिस्से में होना चाहिए था वो पूरा ब्रिटेन ने अपने अधिकार में ले लिया। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए दूंगा कि ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ की या ड्रेन ऑफ वेल्थ की जो थ्योरी थी वो इंडिया में किसने दी थी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर। सो यहाँ पर ख़त्म करते हैं हमारा आज का लेक्चर। हम उम्मीद है आपको ये लेक्चर पिछले लेक्चर की तुलना में ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, खास तौर से उन लोगों को जिन्हें पिछले लेक्चर में कुछ समस्याएं आई थी, उसके लिए मैं आपसे फिर से क्षमा प्रार्थी हूँ। यदि आपको टोटल इंग्लिश में नहीं समझ में आता है तो आई विल ट्राई कि मैं आगे बस से जो लेक्चर्स बनेंगे उसी प्रकार बनाऊंगा। और एक चीज़ और मैं आपसे बोलूँगा कि मुझे हर लेक्चर अपलोड करने में 2 दिन का समय लगता है, क्योंकि मुझे पूरी स्लाइड्स को तैयार करनी पड़ती हैं और पूरा कंटेंट बनाना पड़ता है और इस तरह से डिज़ाइन करना पड़ता है कि आपको समझ में ज़्यादा से ज़्यादा आ सके। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो प्लीज़ देखते रहिएगा, और हाँ पढ़ाई शुरू कर दीजिए, बिकॉज लॉकडाउन कब खत्म होगा वी नेवर नो, बट एग्जाम्स विल बी देयर, दैट इज़ फॉर श्योर। सो हैप्पी स्टडिंग, सी यू देन, गुड बाय।